खबर लेते हैं पंचकूला से, जहां सरकारी जमीन पर बीते काफी दिनों से हो रहे अवैध निर्माण कार्य को हटाए जाने पर अब जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेसी नेता लेखपाल ने गरीबों की आड़ से यह फैसला लिया। सूत्रों का कहना है कि गली नंबर 1 धड़वा में अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन माफियों की जाँच कर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। और बताया कि वार्ड नंबर 9 में जब भी प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे हटाने पहुंचते हैं तो कुछ चुनिंदा लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाने का प्रशासन के खिलाफ विरोध करते हैं। जब इस हटाए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार मनदीप ढिला रहे अवैध कब्जे को हटाया गया। सारा क्या है मामला, आओ सुनाते हैं पूरी खबर। प्रशासन क्या कर रहा है कि लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं गढ़ुए के अंदर। गढ़ुआ चंडीगढ़ का एरिया है ये। राज्य में जनता के साथ क्या करा जा रहा था, क्या करना है तो पार्टी के आदमी देखिए काम तोड़ने का हमारा इन्होंने कहा था हम ध्यान देंगे, लेकिन देने के लिए देखा ये तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट।